भाई से बदला लेने के लिए भाभी और भतीजे की हत्या। नवी मुंबई के कामोटे सेक्टर 34 में सोमवार के दोपहर 22 वर्षीय महिला और उसके 2 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई। मृतक जयश्री योगेश चौहान, पति योगेश 28 वर्षीय और अपने 2 साल के बेटे अविनाश के साथ एक दंता सोसाइटी में रहती थी। जयश्री और अविनाश की हत्या के आरोप में महिला के जेठ सुरेश दिनकर चौहान 30 वर्षीय को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। घटना के वक्त जयश्री के पति योगेश चौहान घर पर नहीं थे। कामोटे पुलिस ने बताया कि आरोपी सुरेश चौहान छोटे भाई योगेश के घर गया और गला दबाकर जयश्री की हत्या कर दी। इसके बाद उसने भतीजे अविनाश को चेहरे पर तकिया दबाकर मार डाला। रात करीब 11 बजे जब मृतक जयश्री के पति योगेश चौहान अपने घर आए और देर तक घंटी बजाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया। घर के अंदर जयश्री और अविनाश मृत अवस्था में मिले। वहीं एक कोने में सुरेश चौहान भी बैठा मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश नवी फेल है और बेरोजगार है। सुरेश को ताड़ी पीने की लत है और इसकी लत और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से माता पिता और छोटे भाई योगेश ने उसे कुछ समय पहले घर से निकाल दिया था। पुलिस को संदेह है कि उसने इस बात का बदला बहू और भतीजे की हत्या करके लिया। सेक्टर 34 में योगेश दिनकर चौहान और उसकी बीवी जयश्री दिनकर चौहान और उसका दो साल का लड़का अविनाश जिसका नाम था, वो तीनों थे। उसके साथ में उसका बड़ा भाई जिसका नाम सुरेश है, वो 30 इयर्स का है, वो कुछ काम धंधा करता नहीं है। बहुत बार इनके माँ बाप ने और योगेश ने उसको काम धंधा करता नहीं इसलिए घर से निकाल दिया था। तो उसके दिल में, उसके मन में उनके खिलाफ नफरत थी। उस नफरत के हिस्से उसने कल दोपहर को 2 बजे योगेश की पत्नी जयश्री और उसका लड़का अविनाश इसको गला दबा के मार दिया है।